तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा इस माइक्रोफोन के बारे में। ये एक वायरलेस माइक्रोफोन है, ये आपको अमेजोन या ऑफलाइन मार्केट से मिल जाएगा। ये जो माइक्रोफोन है ये बहुत ही अच्छा है, इसकी जो वॉइस क्वालिटी है बहुत ही अच्छी वॉइस क्वालिटी एंड बहुत ही सस्ता है। इससे कोई सस्ता माइक्रोफोन आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, ये सबसे सस्ता वायरलेस माइक्रोफोन है और ये आपको एंड्रॉयड स्मार्टफोन या आपको अगर आईफोन है उसमें भी कनेक्ट हो जाएगा, या अगर आपको कैमरा है तो उसमें भी आपको ये कनेक्ट हो जाएगा। ये 3-in-1 माइक्रोफोन है। इसके जो फीचर्स है काफ़ी अच्छे फीचर्स है। इसकी जो वॉइस क्वालिटी है वो क्रिस्टल क्लियर है, उतनी अच्छी भी नहीं है लेकिन फिर भी इस रेट में बहुत ही अच्छी वॉइस क्वालिटी है इसकी। एंड इसकी जो रेंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा है एंड इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। इसको आपको सिंपली प्लग करना है अपने स्मार्टफोन में एंड सिंपली आप इस माइक्रोफोन को यूज़ कर सकते हो। आपको ये कॉलर माइक या कॉलर माइक का ऑप्शन मिलता है, वो आप सिंपली अपने कॉलर पे एडजस्ट करके इस माइक्रोफोन को यूज़ कर सकते हो। तो इसका जो रिव्यू करूँगा मैं आज, और आपको मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊँगा कि इसमें आपको क्या क्या मिलता है एंड इसको आप अपने स्मार्टफोन से कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो को गाइस लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस इसकी जो प्राइस है ये आपको 500 या 600 में अमेजोन से मिल जाएगा। ऑफलाइन मार्केट का मुझे पता नहीं है, मैं इसकी लिंक डाल दूंगा। कभी इसकी प्राइस कम भी होती है, कभी ज़्यादा भी होती है अमेजोन से, लेकिन इतना ही आपको ये 500-600 तक आपको ये अमेजोन से मिल जाएगा, लेकिन ऑफ मार्केट की जो प्राइस है वो मुझे पता नहीं है। गाइस ये इस माइक्रोफोन का यहाँ से ये पैकेट आप देख सकते हो, यहाँ पे ये बनाया हुआ है ऊपर। यहाँ पे आईफोन में भी कनेक्ट कर सकते हो आप, इसको एंड्रॉयड में भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप पीछे से देख सकते हो, यहाँ पे इसमें लिखा है प्लग एंड प्ले। यहाँ से आप सब कुछ पढ़ सकते हो, जो आप खुद पढ़ोगे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से आप देख सकते हो फॉर आईफोन फॉर टाइप सी, यानी कि दोनों फोन्स में ये कनेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ से आप देख सकते हो इसके कुछ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लिखे हैं वो आपको अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ से इसको यहाँ से ओपन करना है इसे, तो ओपन करने के बाद नीचे आप देख सकते हो इसमें आपको एक माइक्रोफोन मिलेगा जो कि कुछ इस तरह का होता है। ये एक वायरलेस माइक्रोफोन है एंड इसमें आपको कनेक्टर मिल जाते हैं, देख सकते हो। इसमें आपको दो कनेक्टर मिल जाएंगे, ये वाले दो कनेक्टर इसमें आपको मिल जाएंगे। यह है एक टाइप सी कनेक्टर, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और उसमें टाइप सी कनेक्टर लगता है तो सिंपली आप इस टाइप सी कनेक्टर का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास आईफोन है तो आप सिंपली इस वाला कनेक्टर का यूज़ कर सकते हो, जो कि एक लाइटनिंग पोर्ट है। आप देख सकते हो यहाँ से एक लाइटनिंग पोर्ट है, तो ये आपको पहले सिंपली इसमें प्लग इन करना पड़ेगा। टाइप सी पोर्ट इसमें आपको प्लग इन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको अपने स्मार्टफोन में प्लग इन करना है, तो उसके बाद सिंपली आप आईफोन में यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आप सिंपली ये वाला जो कनेक्टर है इसको आपको अपने फ़ोन में कनेक्ट कर देना है। और इसमें आपको एक पॉप फिल्टर मिलता है, देख सकते हो, जो कि आपको बॉक्स में ही मिलेगा। एंड एक इसके साथ आपको केबल मिल जाएगी चार्जिंग के लिए, जो कि एक सेपरेट केबल होती है, अलग से टाइप सी वाली केबल आपको मिल जाएगी। तो ये आप इसमें प्लग इन कर सकते हो ऐसे माइक्रोफोन में। ये किस लिए होता है? ये होता है बैकग्राउंड नॉइज़ रिमूव करने के लिए। अगर बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है कभी कहीं पे, तो उसको आप सिंपली रिमूव कर सकते हो ये वाला पॉप फिल्टर लगा के, तो इससे थोड़ा आवाज़ जो है वो कम हो जाती है। तो इसको मैंने यहाँ से बाहर निकाल के रखा है। अगर आपको यूज़ करना है पॉप फिल्टर तो आप सिंपली इसमें प्लग करके ये यूज़ कर सकते हो, तो इससे वॉइस जो है वो आपकी क्लियर आएगी, आपको बैकग्राउंड नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो बस इतना ही होता है, इसमें एक माइक्रोफोन मिलेगा, कनेक्टर दो एंड पॉप फिल्टर एक, जो कि सिंपली यहाँ पे होते हैं। एंड एक आपको चार्जिंग केबल, एक चीप सी चार्जिंग केबल मिल जाएगी, उतनी अच्छी नहीं होती है वो, लेकिन उस पर आपको गुजारा हो जाएगा। तो बस इतना ही आपको मिलेगा। एंड ये इसका बॉक्स है सिंपली, आप देख सकते हो, जो कि यहाँ से क्लोज हो जाता है। बाकी इस पर यहाँ पे लिखें जो आप पढ़ सकते हो।